मनपा के 22 साल पुराने लाखों रुपए के खेल साहित्य खरीदी व वितरण घोटाला मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एनजी देशपांडे की अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सरकारी पक्ष एक भी आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया। इस घोटाले में विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, पूर्व महापौर कल्पना पांडे, अर्चना डेहनकर, दयाशंकर तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त साहेबराव राउत, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा बनारसी, क्रीड़ा निरीक्षक हम्बीरराव मोहिते समेत 108 आरोपियों का समावेश था। मामले के लंबित रहते हुए तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विनायक चौधरी, तत्कालीन नगर सेवक जगदीश ग्वालवंशी, किशोर गजभिये, सरदारी लाल सोनी, देवा उसरे, राजू बहादुरे, सुलभा दाणी की मौत हो गई, जिससे केवल जीवित आरोपियों को लेकर यह फैसला सुनाया गया। घोटाला वर्ष 2000 में सामने आया था। इसके बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई थी। उसी समय टी चंद्रशेखर मनपा आयुक्त थे। मनपा में भाजपा की व राज्य में कांग्रेस राकांपा की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इस घोटाले की जांच करने के लिए राजस्व व वन विभाग के प्रधान सचिव नंदलाल की नियुक्ति की थी। नंदलाल ने 2,38,39,000 के 177 रुपए के क्रीड़ा साहित्य खरीदी व वितरण व्यवहार में भ्रष्टाचार होने की रिपोर्ट दी थी। 6 जनवरी 2001 को सदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। Thank you.